उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अभी भी सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। उन्हें ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे सरकार के आगामी कैबिनेट विस्तार के बाद जो बागी विधायक मंत्री पद से चूक जाएंगे वे ठाकरे के पास वापस आ जाएंगे। शिंदे कैंप में शिवसेना के 40 विधायक हैं और अन्य छोटे दलों और निर्दलीय के लगभग 10 विधायक हैं। इनमें से कई विधायकों को उम्मीद है कि उन्हें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना ने दावा करते हुए कहा, आप देखेंगे कि शिंदे गुट और भाजपा के बीच जल्द ही लड़ाई हो रही है। उन्होंने शिंदे के बागी विधायकों को मंत्री बनाने का वादा किया है और इसलिए यह एक समस्या होने जा रही है। सांसद विनायक राउत ने बीते दिन शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा, अगर उन्हें बागी विधायकों को कोई बर्थ नहीं मिली तो वे उद्धव के पास आ जाएंगे। वहीं राउत के दावे से पता चलता है कि शिवसेना कैबिनेट विस्तार को कितनी उत्सुकता से देख रही है। शिवसेना और एनसीपी नेतृत्व का भी मानना है कि भाजपा शिंदे समूह ने जानबूझकर 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार की योजना बनाई है, क्योंकि उन्हें डर है कि जिन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा वे विधायक राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। शिंदे भाजपा समूह इस बात से अवगत है कि शिवसेना के कई बागी और निर्दलीय विधायक मंत्री बनने के इच्छुक हैं। यही वजह है कि भाजपा हलकों में चर्चा है कि पहला कैबिनेट विस्तार एक छोटे स्तर पर हो सकता है। इसमें केवल 9 से 11 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जिन लोगों को कोई मंत्रालय नहीं मिला है उन्हें अगले दौर में मंत्री बनने की उम्मीद बनी रहे। शिंदे ने बीते दिन शुक्रवार को शिवसेना की इन टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार स्थिर है और 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, किसी को भी जबरन नहीं लाया गया है। 8 मंत्री पिछली सरकार छोड़कर हमारे पास आए हैं। ये विधायक किसी उम्मीद के साथ मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। न्यूज डेस्क के साथ जे न्यूज 24 की रिपोर्ट।